हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। आज हम हाई स्कूल का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक पढ़ेंगे जो इस बोर्ड एग्जामिनेशन में आने वाला है, प्रीपोजिशन। तो अभी प्रीपोजिशन में फिक्स्ड प्रीपोजिशन पढ़ेंगे, जिसको डिफिनिट प्रीपोजिशन भी कहा जाता है। तो किस वर्ब के साथ कौन सा प्रीपोजिशन बिल्कुल डिफिनिट होता है, वही प्रीपोजिशन लगता है, आज हम उसके बारे में पढ़ेंगे। तो एक एक करके एग्जाम्पल देख लेते हैं। जैसे दिया है कि ही वॉज फॉन्ड, खाली स्थान है, उसके बाद दिया है म्यूजिक, और हो सकता है कि आगे आपको जब एग्जामिनेशन में पेपर में आएगा तो यहाँ हो सकता है कि चार ऑप्शन दे दे, और चार ऑप्शन में से आपको एक जो सही होगा वह चुन करके लिखना होगा। लेकिन आज हम लोग फिक्स्ड पढ़ रहे हैं कि किसके साथ क्या लगता है, तो उसको आप लोग ध्यान से देखेंगे। तो जो फॉन्ड होता है, फॉन्ड के साथ हम प्रीपोजिशन ऑफ का प्रयोग पढ़ते हैं कि ही वॉज फॉन्ड ऑफ म्यूजिक। इसका मतलब होता है फॉन्ड ऑफ मैंने शौकीन होना, कि वह संगीत का शौकीन है, तो इसलिए यहाँ पे ऑफ भरा जाएगा। तो फॉन्ड के साथ आप याद कर लीजिए कि ऑफ प्रीपोजिशन भरा जाता है। अगला है कि सी कॉन्ग्रेचुलेटेड मी माई सक्सेस। बीच में आपको प्रीपोजिशन भरना है, इसमें भी ऑप्शन दे सकता है कि एट हो सकता है, विद हो सकता है, ऑन हो सकता है, फ्रॉम हो सकता है, इस तरह से प्रीपोजिशन हो सकता है। तो जब कॉन्ग्रेचुलेट आता है तो कॉन्ग्रेचुलेट के साथ हमेशा जो प्रीपोजिशन होता है वह ऑन भरा जाता है। तो यहाँ पे हो जाएगा प्रीपोजिशन ऑन, कि सी कॉन्ग्रेचुलेटेड मी ऑन माई सक्सेस, कि वह मेरी सफलता पर मुझे बधाई दे। अगला सेंटेंस है कि एवरी वन बिलीव्स गॉड। तो यहाँ बिलीव आया है, बिलीव के साथ जो हमारा प्रीपोजिशन होता है हमेशा हम इन का प्रयोग करते हैं, यानी अब ऐसा नहीं कहेंगे कि हम ईश्वर पर विश्वास करते हैं, इसका जो सेंस होगा वह ईश्वर में विश्वास करते हैं, इसलिए यहाँ पे हम इन का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ हो जाएगा प्रीपोजिशन इन, कि एवरीवन बिलीव्स इन गॉड, कि हर एक व्यक्ति ईश्वर में विश्वास रखता है, कि हमारे अस्तित्व में ईश्वर है, हम ईश्वर से हैं, इस बात को सभी विश्वास करते हैं, इसलिए इन का प्रयोग बिलीव के साथ किया जाता है। अगला दिया है कि लुक द ब्लैक बोर्ड। तो लुक के साथ अगर प्रीपोजिशन हम प्रयोग करते हैं तो लुक के साथ हमेशा हम ऐट का प्रयोग करते हैं। लुक ऐट मी, मेरे तरफ देखो, लुक ऐट हिम, उसके तरफ देखो, लुक ऐट द ब्लैक बोर्ड, ब्लैक बोर्ड की तरफ देखो, लुक ऐट द वाइट बोर्ड, वाइट बोर्ड की तरफ देखो। तो जब किसी के तरफ देखना हो तो वहाँ पर ऐट का प्रयोग, तो लुक के साथ ऐट का प्रयोग करेंगे। उसी प्रकार दिया है कि समवन इज नॉकिंग, कोई खटखटा रहा है, क्या खटखटा रहा है, द डोर, दरवाजे को खटखटा रहा है, यानी दरवाजे पर खटखटा रहा है। तो उसी तरह मेरे, यानी लुक एट मी, मेरे तरफ देखो या मुझे देखो, तो उसी तरह समवन इज नॉकिंग एट द डोर, कोई दरवाजा खटखटा रहा है। तो नॉक के साथ जो हमारा प्रीपोजिशन होता है वह भी एट का प्रयोग करते हैं हम। ये ध्यान देना है कि लुक एट, उसी तरह नॉक के साथ भी जो प्रीपोजिशन है वह ऐट, फॉन्ट के साथ ऑफ लगता है, यहाँ कॉन्ग्रेचुलेट के साथ ऑन लगता है। अगला देखते हैं। अब दिया है कि आई एम प्लीज्ड यू। अब प्लीज्ड, प्लीज्ड मतलब होता है खुश होना, आई एम प्लीज्ड, मैं प्रसन्न हूँ। तो प्लीज्ड के साथ अभी हम क्या करेंगे, तो प्लीज्ड के साथ हमेशा जो हमारा प्रीपोजिशन होता है वह विद का प्रयोग करते हैं। यह पैसिव वॉइस के लिए भी है, अक्सर हम पैसिव वॉइस में, जब एक्टिव वॉइस को पैसिव वॉइस में बदलते हैं तो हम बाई और बाई के बाद हम सब्जेक्ट लिखते हैं, तो जहाँ पे हम बाई का प्रयोग करते हैं अगर उसके पहले वर्ब थर्ड फॉर्म में प्लीज्ड आया हो तो प्लीज्ड के बाद हमेशा हम बाई का प्रयोग नहीं करेंगे, विद का प्रयोग करेंगे। यहाँ पे विद होगा, विद यू। तो प्लीज्ड के साथ आप याद रख लें कि विद का प्रयोग करेंगे। अब आगे दिया है कि प्लीज़, यहाँ कृपया, यहाँ प्लीज़ देखिए वर्ब के रूप में है, यहाँ प्लीज़, कृपया, लिसन व्हाट आई से, कृपया सुनिए व्हाट आई से। तो लिसन के साथ जो हमारा प्रीपोजिशन होता है वह टू का प्रयोग करते हैं, जैसे लिसन टू मी, मेरी बात सुनो, और यहाँ कह रहा है कि प्लीज़ लिसन, कृपया सुनिए टू व्हाट आई से, जो मैं कहता हूँ आप उसे सुनिए। तो लिसन के साथ जो हमारा प्रीपोजिशन होगा वह टू का प्रयोग करेंगे। आगे दिया है कि ही बिलोंग्स, वह संबंधित है, तो बिलोंग्स के साथ जो हमारा प्रीपोजिशन होता है वह भी टू का प्रयोग करते हैं, बिलोंग्स टू। तो ध्यान देना है कि बिलोंग्स के साथ, लिसन के साथ टू का प्रयोग करेंगे। अगला सेंटेंस है कि माई फादर वॉज बिजी, मेरे पिता व्यस्त थे, हिज वर्क, अपने काम में।
तो अक्सर हम यहाँ गलती कर देंगे, इन का प्रयोग कर देंगे, बिजी इन हिज वर्क, कि अपने काम में वह व्यस्त थे, गलत है। बिजी के साथ हम जो प्रीपोजिशन प्रयोग करेंगे वह विद है, विद हिज वर्क, ये ध्यान देना है आपको। अगला सेंटेंस है कि सी इन्वाइटेड मी, उसने मुझे आमंत्रित किया, कहाँ आमंत्रित किया, तो डिनर, रात्रि के भोजन पर, तो आन का प्रयोग कर देंगे, एट का प्रयोग कर देंगे, लेकिन यहाँ पे इनवाइट के साथ हम जो प्रीपोजिशन प्रयोग करते हैं वह टू का प्रयोग होता है, इनवाइटेड टू डिनर एस्टरडे। अगला दिया है कि द ट्रेन हैज़ अराइव्ड, ट्रेन पहुँच गई, कहाँ पहुँची, द स्टेशन, स्टेशन पर पहुँच गई। तो अक्सर बच्चे होते हैं कि ऑन लगा देते हैं, लेकिन अराइव्ड के साथ हमेशा यहाँ एट का प्रयोग करेंगे, एट द स्टेशन, की स्टेशन पर पहुँच गई। अब लास्ट वन है, दिया है कि यू आर एंग्री मी। अब यहाँ देखिए एंग्री के साथ हमको क्या प्रयोग करना है, तो एंग्री के साथ अगर व्यक्ति को संबोधित कर रहा है, किसी व्यक्ति से हो, तब तो हम विद का प्रयोग करते हैं, लेकिन अगर यहाँ कोई वस्तु हो तो वस्तु होगा तब हम एट का प्रयोग करेंगे। इसका आपको ध्यान देना है, अगर एंग्री के साथ अगर कोई जो कनेक्शन है, जिस व्यक्ति से वह नाराज है, अगर व्यक्ति होगा तब तो विद लगेगा, अगर वस्तु होगा, कोई निर्जीव चीज़ होगा, उसके बिहेवियर होंगे, तब वहाँ एट का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ दे रहा है कि यू आर एंग्री मी, तुम मुझसे नाराज हो, तो मुझसे नाराज हो मतलब व्यक्ति से नाराज है, इसलिए यहाँ एंग्री और यहाँ पे विद का प्रयोग करेंगे। तो इस प्रकार कुछ हमारे जो इम्पॉर्टेंट और फिक्स्ड, या जिसको कह सकते हैं कि डिफिनिट जो हमारी प्रीपोजिशन है, उसको आपने देखा, और आशा करते हैं कि यह वीडियो आपको समझ में आएगा, या आपके बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए निश्चित रूप से बहुत ही हेल्पफुल हो सकता है। इसको बार बार देखिए, इसको याद करिए, और परीक्षा में जा कर के निश्चित अच्छी तरह से भरिए, और आपको जो पूर्णांक मिलना है वो पूरा का पूरा पूर्णांक मिले। तो फिर मिलते हैं किसी अन्य वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।